वेलकम टू एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी। सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 6 और विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 की बात करें, चौथे अध्याय के हमने प्रश्न उत्तर सारे कर लिए। पाँचवें अध्याय की बात करें तो उसका नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। बात करते हैं चुनाव का। एक दिन देखिए, एक बच्चा है, जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। वोट डालते हैं ना, आपको पता होगा, आपके दादा दादी चाहे नाना नानी कोई भी है जाते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, क्योंकि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद से। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ आपने देखा होगा, रामायण देखी है ना आपने, रामायण। अब लॉकडाउन में रामायण चलती थी, रामायण देखी है। उसमें जब राम अपने घोड़े छोड़ता है, यज्ञ करने के बाद घोड़े छोड़ता है ना, लव कुश पकड़ लेता है और लव कुश से वो घोड़े लेने के लिए युद्ध करते हैं। हनुमान जी, शत्रुघ्न, सेना, लक्ष्मण, वो सारे पराजित होते हैं। लास्ट में राम उनसे घोड़े लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, जिससे राम ने लड़ाई की थी ना। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, विशिष्ट पुरोहित जैसे आज पंडित होते ना, ब्राह्मण, उनके द्वारा। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सारथी यानी घोड़ा गाड़ी होती है ना, रथ, उसका जो सेनापति होता है उसको सारथी कहते हैं। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुसंधान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुसंधान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुसंधानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ, पैसे के आधार पर उनका वर्ग शामिल करो, वर्ण। इसमें उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद यानी चार वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। उनके सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी व भोज संग्राहक निर्धक थे। पुरोहितों ने लोगों को चार वर्णों में विभाजित किया था, उन्हें क्या कहते थे, वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, सबसे ऊपर कौन थे, ब्राह्मण। उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान आता था शासकों का यानी जिन्हें क्षत्रिय कहते थे। क्षत्रिय जो युद्ध लड़ने वाले होते थे, इनका काम क्या होता था, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे,
जिनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। उन्हें कोई अनुसंधान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों में अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों का अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाते या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ठीक है, कोई दफनाने का और शव को जलाने का काम, चंडाल होते ना चंडाल, उनको अपवित्र मानते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा समय को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। यानी कहने का मतलब, जो डॉक्टर के घर जन्म लेगा वो डॉक्टर बनेगा, खेती के घर किसान के घर जन्म लेगा किसान बनेगा, ऐसा सिस्टम था पहले। अब इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुसंधान संपन्न कराने का अधिकार सबका है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? अब देखिए, जनपद, जनपद क्या होता है, जैसे अपने मतलब राजस्थान के अंदर जिले कितने, 33 जिले हैं ना, तो वैसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्या होते थे, जनपद, और जनपद के ऊपर महाजनपद होते थे। महायज्ञों को करने वाला अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इस जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनके प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल व सरसों जैसी फसल उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में है? ये देखिए क्या चीज़ है, चित्र दूसर पात्र है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे जिनमें कुछ दूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, दूसर रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित तो दूसर पात्र कहते हैं। ये देखो, चित्र भी बनाए हुए इन पात्रों के ऊपर, जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट है। इन बरतनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरलेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, जैसे आज हमारे जो राज्य है ना, भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य, वैसे महाजनपद थे बड़े बड़े। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहने लगे। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाई, यानी जनपद 4-5 जनपद मिलकर क्या बन गए, महाजनपद। जैसे हमारे 33 जिले बनकर राज्य बनता है ना, वैसे अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समर्थ, ये देखिए मानचित्र 4। अब देखिए इसमें आया था ना, वैशाली, वज्जी, मगध, अंग, राजगृह, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, पांचाल, गांधार, ये सारे महाजनपद है, ध्यान रखना। अवंती और कुछ जैसे उज्जैन हो गए, छोटे छोटे वो जनपद हैं, ये पूरा भारत हो गया ना। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों पर इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। उनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुल भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, यानी प्राचीन जो सिक्के होते ना उनके द्वारा होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, 8वां अध्याय आ गए। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। अब ये देखिए क्या है,
तो कौसाम्बी किले की दीवारें, ये दीवार है यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवारों का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये ईंट की दीवार है देखो। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, भाग। 1/6 का मतलब क्या हुआ, 100 में से 16 रुपये लेते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसा कि एक बुनकर लोहार सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अखेटकों जो शिकार करते हैं और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब देखिए कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले जो पत्थर केर बनते थे ना, अब वो हल है ना, हल जैसे फाड़े जिसको कहते हैं, वो बन लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे? सूक्ष्म निरीक्षण देखिए। सबसे पहले मगध महाजनपद था, एक बिहार के अंदर था मगध। मानचित्र 4 में हमने मगध ढूंढा था, मैंने निशान बताया था ना, अब दोबारा बता देता हूँ। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो, ये देखो मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के रूप में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें थी, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में ही दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु आए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला दिया। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है ना, वो राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया के राजा सिकंदर महान, नाम सुना है ना, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। एक वज्जी था, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, बिहार में। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। अब ये गण क्या होता है, तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुसंधानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में कक्षा 6 अध्याय में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही संजीव चित्रण मिलता है। ठीक है, ये बाकी हम आगे पढ़ेंगे। पाठ तो पूरा हो गया, इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं। इसका मतलब पूरा पढ़ लेते हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के अनेक व्याख्यान किए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात
शत्रु अजात शत्रु और वज्जी संघ, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, क्या सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण व नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारस्परिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। चैत्य क्या होते हैं? जहां बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं। विभिन्न मतावली व संतों का सम्मान करेंगे और उन्हें आने या जाने में कोई रोक नहीं होगी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की, उन्हें अपने राज्य में मिलाया। उसके बारे में तुम क्या पढ़ोगे? 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा हो गया पाठ, अगला जो वीडियो होगा उसमें अपने ये सारे प्रश्न करेंगे।